पूरे देश में इस वक्त चर्चा है महिला बिल को लेकर के और महिला सशक्तिकरण को लेकर। जिस तरह से सरकार ने 33% आरक्षण दिया है, यह बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो गया है। बिहार में इसकी राजनीति इसलिए गर्म है क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी ने इसका खुले तौर पर नहीं लेकिन दबी जुबान से विरोध किया है, राबड़ी देवी ने भी कुछ कहा है, और इसके अलावा जेडीयू जो महागठबंधन में शामिल है ललन सिंह ने इसे जुमलेबाजी करार दिया है। इस वक्त हमारे साथ छपरा के MLC इंजीनियर सचिदानंद राय जी है, इनसे जानेंगे। सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, 33% जो आरक्षण? देखिए, ये बहुत दिन से लंबित था और अटल जी लाए थे पहली बार इस बिल को, इसके बाद खत्म संख्या नहीं थी, लेकिन 2010 में जब राज्यसभा से पारित हो गया था और कांग्रेस चाहती, क्योंकि भाजपा तो समर्थन में थी इसके, तो कांग्रेस अगर चाहती तो उनके अगर सहयोगी दल नहीं भी चाह रहे थे, जैसे लालू जी की पार्टी RJD खिलाफ थी, इसके और भी कई दल खिलाफ थे, मुलायम सिंह की पार्टी खिलाफ थी, तो अगर वो लोग नहीं भी चाहते, अगर कांग्रेस चाहती तो भाजपा से मिलकर लोकसभा में पास पारित हो सकता था, लेकिन वो केवल महिलाओं के लिए मैं सोचता हूँ ये बताना चाहते थे। इस सरकार का मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कम से कम इतना इन लोगों ने हिम्मत दिखाया, इतना हौसला दिखाया कि बिल को लाए और पारित करवा दिए। अब कोई जुमलाबाजी इसको कहे चाहे कोई विरोध करे, RJD तो बहुत विरोध किया 2010 में, इस बार तो विरोध करने के लिए सदन में थे ही नहीं तो क्या विरोध करते, और जहाँ थे राज्यसभा में वहाँ तो उन्होंने सर्वसम्मति से पास हुआ था, तो आपका ही वोट था, तो लोगों को विरोध जहाँ करना था वहाँ तो आप किए नहीं, अब सड़क पर आकर राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। लगता है आपको कि 2024 में इसका जो परिणाम होगा या जो BJP के पक्ष में जाएगा? 2024-25 का असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि वैसे भी ये 2029 के पर्यंत लागू इसको होना नहीं है। अभी जो जनसंख्या पर एक जनगणना बाकी है, जनगणना के बाद परिसीमन बाकी है 26 में, फिर इसके बाद जब और नई सीटें बढ़ेंगी तो उसमें लागू होगा, तो 29 में लागू होगा, इसलिए इसका जो भी प्रभाव पड़ना होगा वो उसी समय होगा। अभी ठीक है, मतलब कि हर देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी भले ही करती है हर काम चुनाव को नज़र में रख करती है, लेकिन मैं समझता किसी दल को हर समय चुनाव की बात सोचनी चाहिए, हर समय चुनाव की बात सोचिएगा तो जनता के लिए काम कब कीजिएगा, इसलिए इसका चुनावी लाभ किसी को मिलेगा या किसी को नुकसान होगा ऐसा मैं नहीं मानता। अपनी पीठ तो थपथपाएगी ना BJP की, भाई हम लेके आए। बिल्कुल थपथपाएगी और थपथपाना बनता भी है, लेके आया है तो उतना तो बनता ही है ना, लेकिन सबकी सहमति रही तब न पारित हुआ, सर्वसम्मति से न पारित हुआ है, तो BJP अकेले कैसे सेक्रेट ले लेगी। एक और अभी इन दिनों चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, कितना सहमत है सर इससे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश में जहाँ चुनाव पर इतना खर्च होता है, बार बार चुनाव जो है वो एक तरह से अपराध के बराबर है। दूसरी बात क्या होती है, जब जब कोई चुनाव लगता है तो आचार संहिता के चलते दो दो महीने तीन तीन महीने तक जो है वो विकास के कार्य रुक जाते हैं, तो हमारे जैसे अविकसित देश के लिए या विकासशील देश के लिए ये आवश्यक है कि उस तरह के अड़चने बार बार न आए। 5 साल में एक बार हो, मैं तो विधानसभा लोकसभा ही नहीं, मैं तो स्थानीय निकायों के भी चुनाव चाहता हूँ उसी के साथ हो, मैं उसका पक्षधर हूँ, लेकिन ठीक है आसान नहीं है, इसके बारे में सोच लेना आसान है, इसको ज़मीन पर उतारना कठिन है और बहुत सी कठिनाइयाँ हैं इसमें। निश्चित रूप से सब दल बैठेंगे और अगर जनता के हितों को ऊपर रख के बात करेंगे तो इसका भी समाधान निकल आएगा। सर, चलते चलते एक छोटा सा सवाल, राहुल गांधी इन दिनों कुली बन के घूम रहे हैं, मतलब कि भाजपा वाले तो उनको पप्पू बनाने में लगे ही हुए हैं, लगता है कि वो भी इसमें साथ दे रहे हैं कि हम पप्पू हैं, है प्रमाणित कर देंगे, तो देश का नेता कुली बनेगा तो काम चलेगा जी। बाइस्कोप से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, साफ तौर पे बिहार की सियासत में 33% जो आरक्षण है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं छपरा के MLC इंजीनियर सचिदानंद राय जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश का नेता अगर कुली बने तो ये कहाँ तक उचित है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।